धन अहंकार जी महापुरुषों, मैं बताने जा रही हूँ विश्वास के बारे में कि हमारा सतगुरु पे विश्वास कैसा होना चाहिए। संसार में विश्वास तीन प्रकार के होते हैं, एक जो सुनकर विश्वास कर लेता है, दूसरा जो पढ़कर विश्वास करता है, तथा तीसरा जब तक हम आँख से नहीं देख लेता विश्वास नहीं करता। धर्म में जिस विश्वास की दुआई दी जाती है वह केवल सुना सुनाया और पढ़ा पढ़ाया विश्वास ही है। धर्म के इस अपूर्ण विश्वास को कबीर जी ने इन शब्दों में पूर्णता देते रहे। बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आखन की देखी। कि परमात्मा पर विश्वास करो, लेकिन प्रभु को देख कर जान कर। विश्वास के कई रूप होते हैं, माता पिता और बच्चों पर विश्वास, दोस्तों का एक दूसरे पर और पति पत्नी पर विश्वास आदि। इन सब रूपों में विश्वास का सर्वश्रेष्ठ रूप है गुरसिक का सतगुरु पर व निरंकार पर विश्वास। जिस गुरसिक का सतगुरु पर पूर्ण विश्वास होता है उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती, आदि व्याधि उससे दूर रहते हैं, खुशियों से उसका जीवन भरपूर रहता है। जो भक्त इस निरंकार के प्रति पूर्ण विश्वास सहित इस असीम ताकत को अपना सहारा मानकर कार्य करते हैं, वे कभी भी अपने कार्य में असफल नहीं होते। दातार उनके कार्य में सहायक होता है, उसकी डोरी दातार खुद थामे रहता है। जैसे प्रहलाद भक्त प्रभु के विश्वास पर कायम रहा तो प्रभु ने हर परिस्थिति में उसकी रक्षा की और कहा भी बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हुए। पिता हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को कितनी यातनाएं दी, पर प्रभु पर अटल विश्वास के कारण हर परिस्थिति में वह बचा रहा। मीराबाई को प्रभु श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास था, अतः जहर का प्याला भी वह अमृत समझकर पी गई। विष का लेस मात्र भी असर प्रभु की कृपा से नहीं हुआ। एक उदाहरण और आता है कि प्रभु यीशु के पास एक महिला मृत पुत्र लेकर आई। उस महिला को पूर्ण विश्वास था प्रभु यीशु में वह शक्ति है मुर्दे में भी जान डाल सकते हैं। उस बहन ने मृत पुत्र को प्रभु यीशु के चरणों में डाल दिया और कहा कि अपनी शक्ति से इसे जीवन दान दो। प्रभु यीशु ने प्रभु का ध्यान करके उसके पुत्र पर हाथ फेरा तो वह पुनः जीवित हो गया। प्रभु यीशु ने उस महिला को कहा, बहन मुझ में कोई शक्ति नहीं है, यह तो तुम्हारे विश्वास के कारण ही जीवित हुआ है। जो निरंकार के सहारे हो जाते हैं वे अपना तन मन धन सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। ऐसे संत महात्मा, पिता जब अपने छोटे बच्चे को ऊपर हवा में उछालता है तो हंसता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि पिता मुझे संभाल लेगा, गिरने नहीं देगा। यही अवस्था हमारे जीवन की है, जो दातार करता है वह हमारे लिए बेहतर होता है, इसमें शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। प्रभु हमारा सच्चाई तैसी है, इस विश्वास में जीने वाला संत भक्त सदा प्रभु को समर्पित रहता है। कई बार हम सेवा सिमरन सत्संग करते हुए भी दुख से परेशान रहते हैं, कठिनाइयां क्यों आई यह सोचते हैं और तंग आकर कई तरह के कर्म कांडों आडंबरों में फंस जाते हैं। ऐसे समय में हम अरदास करें कि हे प्रभु, हम तेरी परीक्षा के काबिल नहीं हैं, हमारा तू ही आसरा है व सहारा है। ऐसी प्रार्थना सुनकर दातार हमारे सभी दुखों को खत्म कर देता है। प्रभु के दर पर देर है पर अंधेर नहीं है। दुख सुख दोनों में ही इस अटल सच्चाई पर विश्वास रखें। कई बार हम सतगुरु के चरणों में ऐसी भावनाएं रखते हैं कि हमारा फला काम हो जाए, फिर पूर्ण रूप से ऐसी आशा भी रख लेते हैं कि मेरी मांग अवश्य पूरी होगी, लेकिन फिर भी भावना यह मांग पूर्ण नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में भी हमारा सतगुरु पर पूर्ण विश्वास बना रहना चाहिए, क्योंकि जैसे माता पिता को पता होता है कौन सी वस्तु बच्चे को देनी है और कौन सी नहीं देनी है, माता पिता वही वस्तु बच्चे को देते हैं जिससे उसका लाभ होता है। इसी प्रकार दातार सतगुरु भी हमें वही वस्तु दे देता है जिससे हमारा हित होता है। ऐसी हालत में सतगुरु दातार की रजा में रहना विश्वास का ही रूप है कि जो मिल गया वह ठीक है और जो ना मिला वह भी ठीक है। इसलिए संत भक्त कहते हैं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, क्योंकि हो सकता है दातार हमें इससे भी अच्छी, इससे भी बहुमूल्य वस्तु देना चाहता हो। सतगुरु तो गुरुमुख को सदा ही ऊंचा उठाना चाहता है। धन अहंकार जी।